यूपी के झांसी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें जवाब में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए दोनों बदमाश डकैती कांड में संलिप्त बताए गए हैं। बीते कई दिनों से झांसी में बदमाश बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस टोड़ी फतेहपुर में हुई 60 लाख की डकैती का खुलासा पहले ही कर चुकी थी। अब एक बार फिर पुलिस ने एनकाउंटर कर लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा पैदा कर दिया है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे बदमाश घायल हो गया और एक अन्य साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के खैरो नुनार में जैन परिवार के मकान में विगत दिनों कुछ असलहों से लैस बदमाशों द्वारा घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद SSP ने 6 टीमों का गठन किया था। पुलिस द्वारा मुठभेड़ किया गया, इसमें आपका क्या कहना है? ये आज गुरसरायपुर थाने के हरसिंगार तिराहे पे स्वाट टीम प्रभारी SHO गुरसराय, SHO मऊरानी, SHO रक्षा द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा जो गुरसराय में डकैती हुई थी उसी के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिली थी, तो यहाँ चेकिंग लगी हुई थी। तो एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति आ रहे थे, तो पीछे पुलिस को देखकर पीछे वाले लड़के ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने उसको लड़कारा, चेतावनी दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। पुलिस ने दौड़ाया तो वो मोड़ के भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल गिर गई, लेकिन गोलीबारी लगातार उसके द्वारा जारी रही, जिससे पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया, उसे CSC गुरसराय भेजा गया। साथ ही उसके साथ दूसरा साथी मौके पर पकड़ा गया, जिससे पुलिस को 3,80,000 रुपये बरामद हुआ। साथ ही वादी का बैंक पासबुक और आधार कार्ड भी मिला है। और जो व्यक्ति घायल हुआ है वो अर्जुन शिवहरे जो रहने वाला हमीरपुर का है, दूसरा व्यक्ति जो गरौठा का है अजय सिंह अजय अहिरवार जो घायल नहीं है, लेकिन मौके पे पकड़ा गया। उसी से पूछताछ करने पे उसने कुछ और लोगों को बताने का प्रयास किया। और ठीक है, धन्यवाद।